नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। चौहरमल की जयंती जो है वो आज है और 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो मुकामा में आयोजन जो है वो किया गया है। इस मौके पर चिराग पासवान भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। हर साल चिराग पासवान जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाते हैं। जब उनके पिता जिंदा थे तो उनके पिता हर साल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाते थे, लेकिन एक अजब दीवानगी, एक गजब दीवानगी जो है वो चिराग पासवान के लिए इन दिनों बिहार में देखी जा रही है। खासकर युवा जो हैं उनके पीछे पीछे आगे पीछे कर, देखिए ये जो तस्वीरें मैं पैच कर रहा हूँ वो उस वक्त की है जब कार्यक्रम खत्म हो गया। चिराग पासवान जो है वो जयंती मनाकर लौट रहे थे, कैसे युवाओं ने उन्हें घेर लिया। अंतमोगत्वा चिराग पासवान को गाड़ी के ऊपर आना पड़ा और सबों का अभिवादन जो है वो चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी जो युवा वहाँ पर दिख रहे हैं सब जो हैं वो टकटकी निगाहों से चिराग पासवान को देख रहे हैं और चिराग पासवान भी सबों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं मुकामा में। दरअसल मुकामा में चौहरमल की जयंती है, मुकामा के ही रहने वाले थे चौहरमल और उनकी जयंती है और हर साल चिराग पासवान जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाते हैं। कार्यक्रम में शिरकत कर जब वो लौट रहे थे युवाओं ने उन्हें घेर लिया। देखिए कैसे गाड़ी जो है उनकी जो है वो आगे बढ़ रही है, एकदम बिल्कुल रेंगती हुई गाड़ी जा रही है क्योंकि चारों तरफ युवाओं ने उन्हें घेर लिया है। तो चलिए अब हम आपको वो भाषण सुनाते हैं जो मंच से मुकामा में चिराग पासवान ने दिया है। पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान क्षेत्र का बेटा है, पासवान का बेटा है। साथियों, ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं और डरता तो नहीं मैं किसी से नहीं। जितनी ताकत आजमानी है मुझे तोड़ने के लिए आजमा के देख ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आजमा है सारी ताकत। पर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ निकला हूं। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना लूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। भाई कब तक मेरे युवा भाई दूसरे प्रदेशों में धक्के खाएंगे, कब तक हम लोग शिक्षा रोजगार के लिए दूसरों के दरवाजे पर जाएंगे। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या कोई दिल्ली का लड़का लड़की बिहार आए रोजगार के लिए? तो कब तक हम लोग जाएंगे दूसरे प्रदेशों में और वहां जाते हैं हमें अपमानित किया जाता है, हम पर लाठियां चलाई जाती है, हमें मारा पीटा जाता है। कब तक बिहारी ये बर्दाश्त करेगा? और अगर आज बिहार के ये हालात हुए हैं, आज जितने लोग महागठबंधन की सरकार बनाकर बैठे हैं तो बोलते हैं कि हम लोग बिहार में विकास करेंगे, पूछे इन लोगों से 32 साल से किनकी सरकार है बिहार में, 32 साल से यही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे हैं। तो अगर आज बिहार बर्बादी की कगार पहुंचा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार जिम्मेदार है। तो जो हमारी बर्बादी के जिम्मेदार है उनको सत्ता से बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, मैं पूरे ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ इस सरकार से लड़ाई लड़ने में लड़ा हुआ हूं, पर ऐसे में मुझे जरूरत पड़ेगी आप सबके साथ ही अकेला कुछ नहीं कर सकता। साथियों, पिछले 2 साल मेरे लिए मेरे परिवार के लिए कितने कठिन रहे हैं ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों ने देखा कि 2 सालों
और मेरे परिवार को समाप्त करने की साजिश रच गई। बड़ी बड़ी शक्तियों ने प्रयास किया चिराग पासवान के वजूद को मिटाने का, बड़ी बड़ी ताकतें एक साथ हुई चिराग पासवान को खत्म करने के लिए। और दुख तो इस बात का कि जब दूसरों ने धोखा दिया तो उसमें उनका साथ मेरे अपनों ने भी दिया, मुझे समाप्त करने के लिए मेरे परिवार को समाप्त पर ऐसे में आप लोगों ने मेरा साथ दिया। कहा परिवार के कुछ सदस्यों ने अपने आशीर्वाद के हाथ मेरे सर से अदा दिए, तो वही मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरी चाची, मेरी बहन, मेरी साथी, मेरी बहन बनकर आप सब लोगों ने मेरा भाई बनकर मेरा साथ दिया। हो जाता बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने, अगर मैं नतमस्तक हो जाता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, तो संभवतः अगर मैं नतमस्तक हो जाता तो अपना व्यक्तिगत विकास जरूर कर लेता। आज बिहार में मेरे मंत्री होते मैं खुद केंद्रीय मंत्री की अगर मैं नतमस्तक हो जाता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, तो उम्र भर कभी अपने पिता की तस्वीर पर श्रद्धांजलि नहीं दे पाता। तो जवाब देना है इस बार के चुनाव में, इस बार के चुनाव में इन लोगों को दिखा देना है, इन लोगों को बता देना है कि क्या ताकत है हम लोग की। और जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, सही मायनों में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों का प्रदेश बनेगा। ये बहुत आपका न किसी को शिक्षा के लिए बाहर जाना होगा, न किसी को रोजगार के लिए बाहर जाना होगा, न हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर जाना होगा, न हमारे बच्चे बच्चियों को दूसरी जगहों पे रहकर शिक्षा करनी होगी। ये वादा आज आप लोगों से करके जाता हूँ, पर हाँ जाते जाते ये संकल्प ही मैं आप सबसे जाता हूँ, ये संकल्प आप सबसे जाता हूँ। आज जब हम लोग वीर बाबा चौहरमल की धरती पर मौजूद हैं, आज जब उनके जयंती समारोह में हम लोग मौजूद हैं, तो आइए मुट्ठी बांधकर ये संकल्प लें कि जब तक इस भ्रष्टाचारी सरकार को नहीं उठा देंगे, तब तक बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों यही साथ है, यही साथ है जो आने वाले दिनों में हम लोग को हमारे अधिकार दिलवाएगा, यही ताकत है जो बिहार से भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार बनाए। साथियों साथियों अब इस दुनिया में मेरे पिता नहीं रहे, अब मेरे पिता की जगह आप सबको मेरा पिता बनना होगा, आप सबको मेरा संरक्षण करना होगा। आप लोगों के अलावा अब मेरे पास और कोई नहीं है, आप ही लोग मेरी ताकत है, आप ही लोग मेरा सहारा है। ये वादा आप लोगों से जरूर करता हूं कि जितने सपने मेरे नेता मेरे पिता ने देखे, जितने सपने हमारे बुजुर्गों ने देखे, जितने सपने मेरे युवा साथी अपने बेहतर भविष्य के लिए देखते हैं, एक एक सपने को मैं पूरा करूंगा। ये वादा आप लोग
से करके जाता हूँ, पर बदले में गांव गांव घर घर तक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का संदेश पहुंचना चाहिए और ये बताना चाहिए कौन हम लोगों के साथ खड़ा है। आज की तारीख में जो सरकार सत्ता में बैठी है उन लोगों ने हमारा दमन हमारा उत्पीड़न करने के अलावा और कुछ नहीं किया। आज की तारीख में सबसे ज्यादा हत्याएं बिहार में हो रही है और उसमें सबसे ज्यादा हम ही लोगों के घर परिवार के लोग हैं जिनको चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। कभी चौकीदारों को, कभी हमारे लड़के लड़कियों को, कभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर उनके शव को गली नाले में फेंका जा रहा है। इसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना होगा, ये संकल्प आगे।